So let's begin with today's session, wherein we'll be talking about capillarity and capillary action. So isme, let's talk about this first. Capillarity kya hota hai? So let's first of all talk about the capillary action. Textbook में I want you all to refer page number 41, 42. So these are some of the examples of capillary action or capillarity. क्या examples है यहाँ पे? अगर हम बात करें यहाँ पे, तो examples which are given over here are oil rises up the wick of a lamp. Lamp जो होता है उसमें oil तो नीचे होता है, तो oil ऊपर कैसे चला जाता है बाती के अंदर, बराबर है क्या? हैव यू एवर थॉट ओवर? ऑयल नीचे रहता है और जो बत्ती जलती रहती है, जो बाती जलती है, विक विच बर्न्स, सो हाउ इज दिस ऑयल गोइंग अप देयर? इज इट गोइंग अगेंस्ट द ग्रेविटेशन? या तो हाउ कम इट रीचेस देयर? सोचने वाली बात है ना, ग्रेविटी की वजह से ऑयल तो नीचे रहना चाहिए, तो ऊपर कहां से कैसे जा रहा है? The reason is capillarity. Cloth rag sucks water. इधर पानी गिर गया तो मैं सिर्फ ऐसे कपड़ा रखूंगा, वो पूरा का पूरा सक कर लेता है क्लॉथ, डस्टर क्लॉथ जो होता है. कैसे? तुम्हारा टॉवल जो होता है, तुम लोग पोछते हो, कैपिलैरिटी, उसके अंदर भी कैपिलैरिटी था. वॉटर राइजेस अप द क्रिवाइसेस ऑफ द रॉक्स. रॉक्स के अंदर भी वो ऐसे ऊपर चला जाता है पानी. देखा है ना आप लोगों ने, कई बार देखा होगा पानी नीचे होता है तो उस रॉक के अंदर कैसे कैसे कहां से जाता है? कैपिलैरिटी. सैप एंड वाटर राइज अप टू द टॉप मोस्ट लीव्स इन द ट्री. ये तो मैंने बताया था. ब्लॉटिंग पेपर एब्सॉर्ब्स द इंक. सो ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कैपिलैरिटी. इसमें ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है फ्रॉम the board exam point of view. This definition is important. Is this okay? Yeah, definition important hai from the board exam point of view. Ye wala. The phenomenon of rise or fall of a liquid in the inside the capillary tube when it is dipped in the liquid is called as capillarity. Capillarity is an action when, these are the some of the examples given. Theek hai? To yahan par कैपिलैरिटी को एक्सप्लेन किया है एंड वी शुड नो दिस डेफिनेशन. इन द डेफिनेशन यू हैव टू राइट डाउन दिस थिंग व्हेन दे आस्क द डेफिनेशन. तो ये आपको लिखना पड़ेगा, इसके लिए आपको ये मार्क करना पड़ेगा. बाय द वे, यू हैव टू मार्क दिस एज अ डेफिनेशन. आगे बढ़ते, तो कई बार कैपिलरी एक्शन में वो राइज होता है, कई बार फॉल भी होता है. वाटर के केस में वो राइज होता है और मर्क्यूरी के केस में वो फॉल होता है. यहां पर देखिए, दिस इज फॉल ऑफ द लिक्विड. बाहर के लिक्विड से वो नीचे चला जाता है एंड इन केस ऑफ द वाटर इट राइजेस अप. सो इन वाटर इट राइजेस अप एंड इन केस ऑफ मर्क्यूरी इट फॉल्स डाउन. सो दिस इज कॉल्ड एज कैपिलरी फॉल. कैपिलरी फॉल ना, उसका एग्जैक्टली अगर आपको इफ वी डिस्कस हिट हियर, तो लेट मी एक्सप्लेन यू द थिंग्स ओवर हियर. कैपिलरी राइज और कैपिलरी फॉल, इसके लिए मैं आपको चीजें एक्सप्लेन कर दूं. देखिए, I'll take this diagram and explain it over here. अब कैपिलरी राइज क्यों और कैसे होता है इसके बारे में बात करते हैं. यहां पर वाटर इज टेकन इन द बीकर एंड दिस इज द वेरी थिन कैपिलरी ट्यूब. वी कंसिडर फोर पॉइंट्स ओवर हियर, ए बी सी डी. ठीक है, अब प्रेशर एट ए एंड प्रेशर एट सी इज सेम.
Why? Because both are open to atmosphere. Yes or no? Well, यहां पर फ्लैट सरफेस है इसलिए प्रेशर एट सी इज इक्वल टू प्रेशर एट डी. राइट? ओ नो, ये देखो ना, फ्लैट सरफेस होगा तो हमने देखा है कि भाई ऐसे कर्व सरफेस होता है तो अंदर का प्रेशर ज्यादा बाहर का प्रेशर कम, ये हमने देखा ना कल. अगर यहां की बात करें तो देयर इज अ कर्वेचर हियर, ये इस तरह से ऐसा कर्वेचर है यहां पर. इस कर्वेचर की वजह से प्रेशर एट ए इज ग्रेटर देन प्रेशर एट बी. लेकिन ये तीन चीजें मुझे क्या बता रही है, देखो दिस थ्री थिंग्स, दिस इक्वेशंस एंड दिस इनइक्वालिटी, इन दोनों से तो मुझे क्या मिल रहा है, देखिए इन दोनों से मुझे मिल रहा है प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट सी इज इक्वल टू प्रेशर एट डी, और ये प्रेशर बी के प्रेशर से ज्यादा है, मतलब बी के यहां पे कम प्रेशर है. सो इफ आई कंपेयर प्रेशर एट डी एंड बी, तो डी और बी का अगर प्रेशर, दे आर एट द सेम लेवल, तो प्रेशर एट डी इज मोर देन प्रेशर एट बी. इसकी वजह से क्या होता है, यहां से ये कुछ एक्स्ट्रा लिक्विड जो होता है वो अंदर चला जाएगा. क्यों? क्योंकि तो यहाँ का प्रेशर ज्यादा है, यहाँ का प्रेशर कम है, एंड द लिक्विड और फ्लूइड विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, चाहे वाटर हो एयर हो, वो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ जाएगा और तब तक फ्लो होगा जब तक यहां पर प्रेशर एट बी इज इक्वल टू प्रेशर एट डी. कब तक फ्लो होगा, ये दोनों का प्रेशर जब तक इक्वल नहीं होता तब तक. तो वो प्रेशर इक्वल करने के लिए ये जो फ्लूइड अंदर फ्लो होगा वो ऊपर चढ़ता चला जाएगा. क्यों? क्योंकि प्रेशर एट डी इज ग्रेटर देन प्रेशर एट बी, कितने से ज्यादा है, तो जो भी कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर है उसको कॉम्पेंसेट करेगा, ताकि यहां का प्रेशर, प्रेशर एट बी कब तक जाएगा, ये जब तक प्रेशर एट बी इज इक्वल टू प्रेशर एट डी, एंड प्रेशर एट डी, ये जो प्रेशर एट बी, इट इज नथिंग बट एच रो जी, इस इज नथिंग बट एच रो जी. इज दिस क्लियर टू यू? लेट्स कंटिन्यू. सो ये तब तक अंदर लिक्विड फ्लो होता जाएगा जब तक दोनों का प्रेशर, अब यह दोनों का प्रेशर इक्वल नहीं होता, यहाँ का प्रेशर बढ़ गया है. क्यों बढ़ गया है? बिकॉज ऑफ दिस लिक्विड कॉलम, एंड इट इज इक्वल टू एच रो जी. इज दैट अंडरस्टूड? इज दिस क्लियर? सो दिस इज हाउ देयर इज राइज इन द लिक्विड, एंड दिस केस, दिस केस टेक्स प्लेस इन केस ऑफ वाटर. अब हम बात करेंगे फॉल ऑफ लिक्विड की, बिल्कुल इसी तरह का है, फॉल ऑफ लिक्विड भी इसी तरीके से होगा. सो लेट मी टॉक अबाउट द फॉल ऑफ लिक्विड नाउ. फॉल ऑफ लिक्विड के लिए ये होगा पहला डायग्राम, दिस इज द फर्स्ट डायग्राम फॉर द फॉल ऑफ लिक्विड. और ये रहेगा हमारा सेकेंड डायग्राम फॉर द फॉल ऑफ लिक्विड. So here we talk about the fall of liquid. देखिए ऐसे ही यहां पे इनिशियली, अब यहां पे ये डायग्राम थोड़ा सा गलत दिख रहा है. इसमें क्या होना चाहिए? इसमें ये होना चाहिए कि ये जो लेवल है ये सेम रहेगा. सो इफ आई ड्रॉ हियर द करेक्टेड डायग्राम अगर मुझे यहाँ पे ड्रॉ करने हैं तो वो कुछ इस प्रकार होगा कि भाई ऐसे है ये लिक्विड, ठीक है, और इसके अंदर ये कैपिलरी है. अब यहां का जो कर्वेचर है वो इस प्रकार का है, इस तरह का कर्वेचर है.
सो इस कर्वेचर की वजह से व्हाट यू से इफ आई कंसीडर हियर फोर पॉइंट्स ए बी सी एंड डी. देखिए प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट सी इज इक्वल टू एटमोस्फेरिक सिंस बोथ आर ओपन टू एटमोस्फियर. नाउ ये स्ट्रेट अगर स्ट्रेट लाइन है, कल ही हमने देखा है अगर आपको याद होगा कि जो प्रेशर होता है एक्सेस प्रेशर के बारे में कल हमने बात करी है. वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस एक्सेस प्रेशर थिंग यस्टरडे. कि अगर वो फ्लैट सरफेस होगा प्लेन लिक्विड सरफेस पी ए इज इक्वल टू पी बी, कॉन्वेक्स लिक्विड सरफेस या कॉन्केव लिक्विड सरफेस जो कर्वेचर के अंदर वाला जो प्रेशर होता है वो ज्यादा होता है बाहर वाले के प्रेशर के हिसाब से. ये हमने कल बात की है, हैव वी टॉक्ड अबाउट दिस यस्टरडे इजंट इट. सो कंसीडरिंग दैट थिंग व्हाट वी से हियर इज यहां का प्रेशर एट सी इज इक्वल टू प्रेशर एट डी. एंड इस कर्वेचर की वजह से हम ये बात करेंगे कि प्रेशर एट बी इज ग्रेटर देन प्रेशर एट ए. बट आई नो दैट फ्रॉम दीज टू थिंग्स आई नो दैट प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट सी इज इक्वल टू प्रेशर एट डी. बराबर है क्या? तो इसका मतलब है प्रेशर एट बी इज ग्रेटर देन प्रेशर एट डी. यहाँ का प्रेशर बी का प्रेशर ज्यादा है डी के हिसाब से. ठीक है, तो बी का प्रेशर ज्यादा है यहाँ पे. सो टू कॉम्पेंसेट फॉर दिस प्रेशर यहां से लिक्विड चला जाएगा बाहर, यहां से बाहर चला जाएगा जिसके कारण ये लेवल ऊपर चला जाएगा. एंड फाइनली व्हाट हैपेंस हियर, वो तब तक जाएगा जब तक प्रेशर एट बी इज इक्वल टू प्रेशर एट डी. एंड डी का प्रेशर इज नथिंग बट इज एच रो जी. यहाँ पर कितना ऊपर चला गया है ये, दैट इज इक्वल टू एच रो जी. सो इट विल बी एच रो जी. सो दिस इज फॉल ऑफ द लिक्विड एंड दिस टेक्स प्लेस इन केस ऑफ मर्क्यूरी. इज दिस क्लियर टू ऑल? इज दिस ओके? एनी डाउट्स अबाउट दैट? समझ में आया सबको? ठीक है, ऑलराइट. सो दिस इज अबाउट द राइज और फॉल ऑफ द लिक्विड इन द कैपिलरी ट्यूब. आर यू फीलिंग स्लीपी? सो ये इस वजह से ये राइज और फॉल ऑफ लिक्विड होता है. अब कितना लिक्विड जाएगा जी, लेट्स टॉक अबाउट दिस नाउ. कि भाई कितना लिक्विड चला जाएगा, कब तक वो वहां पर चला जाएगा. सो एक्सप्रेशन फॉर कैपिलरी राइज और फॉल, उसके दो तरीके से हम इसको एनालाइज कर सकते हैं. देर आर टू वेज ऑफ एनालाइजिंग दिस. मेथड वन इज द मेथड यूजिंग द प्रेशर डिफरेंस. प्रेशर डिफरेंस का मेथड हम यहाँ पर यूज करेंगे पहला. लेट्स टॉक अबाउट दिस नाउ, द मेथड ऑफ प्रेशर डिफरेंस. अब देखिए यहां से वो ऊपर चला जाएगा. इट स्टार्ट राइजिंग अप ओवर देयर. अब जैसे ही वो राइज करना शुरू करेगा इट विल स्टार्ट राइजिंग अप. लेकिन फिर भी यहां पर ऐसा कर्वेचर है, ऐसा कर्वेचर है तो इसका मतलब है जो प्रेशर डिफरेंस आएगा कॉन्केविटी की वजह से, वट एवर द प्रेशर डिफरेंस, क्योंकि इट इज एज इफ ये एक फ्री सरफेस तैयार हो रहा है ऐसा, इजंट इट? अगर मैं इसकी बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट दिस, या अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां का प्रेशर एट ए एंड प्रेशर एट बी व्हाट इज द डिफरेंस, बिकॉज दे आर नॉट सेम, दे आर नॉट इक्वल. तो ये कितना प्रेशर होगा डिफरेंस का, व्हाट इज द प्रेशर डिफरेंस? यहां पर एक सिंगल लेयर तैयार हो रहा है ना, दिस इज अ सिंगल लेयर. अगर इस कर्वेचर को मैं पूरी तरह से ऐसा कंसिडर करूं इस कर्वेचर को पूरी तरह से अगर मैं कंसिडर कर लू तो व्हाट विल इट गिव मी? देखो ना, पूरा एक बबल है जो कि लिक्विड से सराउंड हो जाएगा अगर ये पूरी तरह ऊपर चला जाएगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? सो दिस इज लाइक अ एयर बबल इनसाइड द वाटर, जो कल मैंने तीसरी केस डिस्कस करी थी. डिड आई डिस्कस दिस केस यस्टरडे? इफ यू सी हियर, कल मैंने इसके बारे में बात करी थी. पहला था वाटर बबल, सॉरी लिक्विड ड्रॉप,
दूसरा था सोप बबल और तीसरा था एयर बबल। एयर बबल के बारे में भी मैंने डिस्कस करी थी, एक्सेस प्रेशर फॉर एयर बबल इनसाइड द वाटर, इज द सेम केस ना। तो इसे अगर हम पूरी तरह से कवर करेंगे तो दिस इज लाइक व्हाट इज द डिफरेंस इन प्रेशर एट ए माइनस प्रेशर एट बी इज इक्वल टू एक्सेस प्रेशर इन केस ऑफ द एयर बबल, एक्सेस प्रेशर इन एयर बबल इन वाटर। तो वो कितना लिखा था हमने बताइए, दैट एक्सेस प्रेशर वॉज इक्वल टू 2T अपॉन आर। तो बस मुझे इसमें सब्स्टिट्यूट करना है नीचे, तो लेट मी जस्ट सब्स्टिट्यूट हियर कि भाई ये एक्सेस प्रेशर जो है दैट इज नथिंग बट प्रेशर एट ए माइनस प्रेशर एट बी इज इक्वल टू 2T अपॉन द रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर अभी इस ये जो बबल आएगा ऐसे, उसका रेडियस इज कैपिटल आर। अब दोनों का डिफरेंस मिला के जो होता है, मैंने यहाँ पे लिखा है कि भाई दोनों का जो डिफरेंस होता है दैट इज नथिंग बट एच रो जी, उतना ही लिक्विड यहाँ पर जाएगा ना। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग देयर, इजंट इट? द डिफरेंस इन बिटवीन दिस टू इज 2T अपॉन आर और दैट इज ऑल्सो इक्वल टू एच रो जी। सो लेट मी जस्ट सिंपलीफाई एंड राइट हियर, दिस इज नथिंग बट एच रो जी इज इक्वल टू 2T अपॉन आर चाहिए मुझे जी, आर ये आर है। Now this R is the radius of that bubble and small r is the radius of the capillary tube. दोनों में क्या अंतर है? Small r is equal to R cos theta. So capital R is equal to R upon cos theta. तो यहां पर मैं R के जगह पर लिखूंगा R to cos theta. So what is H is equal to 2T cos theta अपॉन आर रो जी। ये एक फॉर्मूला है और हम इसे याद रखेंगे, दिस इज अ फॉर्मूला एंड विल रिमेंबर दिस फॉर्मूला। इज दिस क्लियर टू ऑल? 2T cos थीटा अपॉन आर रो जी, दिस इज वन फर्स्ट मेथड ऑफ एनालिसिस यूजिंग द प्रेशर डिफरेंस। इस एनालिसिस को अलग तरीके से यूजिंग द सरफेस टेंशन भी हम कर सकते हैं। सो लेट अस सी द सेकेंड एनालिसिस हियर नाउ, मेथड using forces या surface tension, method using forces or surface tension, method using forces or surface tension। अब देखिए यहाँ पर एक डायग्राम दिखाया है। इन दिस डायग्राम दिस इज द फोर्स विच इज एक्टिंग ड्यू टू सरफेस टेंशन, ये है फोर्स एंड दिस फोर्स इज एक्टिंग अलोंग द टोटल पेरीफेरी, बराबर है क्या? ये फोर्स सब जगह पर एक्ट करेगा ना, प्लीज चेक हियर, दिस फोर्स इज एक्टिंग एवरीवेयर, मतलब यहां पे। ऐसा तिरछा, सो व्हाट इज द टोटल लेंथ अलोंग विच दिस फोर्स इज एक्टिंग, क्योंकि सरफेस टेंशन इज नथिंग बट फोर्स डिवाइडेड बाय द टोटल लेंथ ओवर विच इट एक्ट्स। सो बेसिकली इट इज एक्टिंग ओवर द लेंथ 2πr, दिस इज द फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन, देयरफॉर द फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन इज इक्वल टू t टाइम्स 2πr। समझ में आ गया? हेलो, इज दिस क्लियर? Isn't it? अब इस फोर्स का ये जो यहां पे फोर्स दिखाया है उस फोर्स को हम रिजॉल्व करना चाहेंगे। आई लाइक टू रिजॉल्व दिस फोर्स, इस फोर्स को मैं रिजॉल्व करूंगा, तो रिजॉल्व करूंगा उसका एक वर्टिकल कंपोनेंट आएगा, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा। देखिए यहां का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को कैंसिल करेगा, बैलेंस करेगा, लेकिन ऊपर का ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसको कोई बैलेंस नहीं करेगा, उसको कोई भी बैलेंस नहीं करेगा। सो व्हाट वी से हियर, ये जो ऊपर का है दैट इज नथिंग बट, सो ये जो है ft cos थीटा, ये टोटल फोर्स है ft
कॉस थीटा इज द टोटल फोर्स, और इस फोर्स को कौन बैलेंस करेगा, ये जो लिक्विड ऊपर जाएगा ना, उस लिक्विड का वेट, वेट ऑफ दैट लिक्विड, आई से इट इज एम जी. समझ में आ गया, इजंट इट? क्योंकि ये अपवर्ड फोर्स है, उसको बैलेंस नहीं करेगा, तो उस अपवर्ड फोर्स की वजह से लिक्विड ऊपर उठाया जाएगा. कितना लिक्विड ऊपर उठाया जाएगा, जब तक ये पूरा फोर्स बैलेंस नहीं होता. ये बैलेंस कब होगा, ये फोर्स बैलेंस कब होगा, व्हेन दैट लिक्विड इज एक्चुअली बैलेंसिंग दैट फोर्स. बराबर है क्या, उतना लिक्विड उसके अंदर चला जाएगा. सो दिस इज एफ टी, जैसे कि मैंने बताया आपको, एफ टी इज इक्वल टू टी टाइम्स टू पाई आर, द सरफेस टेंशन इज एफ अपॉन एल, दैट इज इक्वल टू एफ, दैट इज एफ टी एक्चुअली अपॉन टू पाई आर. ओके, ठीक है. अब मुझे इसमें सब्स्टिट्यूट करता हूँ. सो दिस इज टी टाइम्स टू पाई आर इंटू कॉस थीटा. मास, व्हाट इज मास, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी. तो व्हाट इज द वॉल्यूम, इट्स अ सिलिंड्रिकल वॉल्यूम. कितना वॉल्यूम होगा इसका जी, इसका वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच इंटू जी इज इक्वल टू टी टाइम्स टू पाई आर इंटू कॉस थीटा. देखिए इसमें से पाई और आर गेट्स कैंसल, सो व्हाट विल बी एच इज इक्वल टू टू टी कॉस थीटा, टू टी कॉस थीटा अपॉन आर रो जी, टू टी कॉस थीटा अपॉन आर रो जी. वेल दिस इज द आंसर, सेम आंसर आया अपने को, वेदर यू आर डूइंग इट बाय द फर्स्ट मेथड और बाय द सेकेंड मेथड, आपको आंसर वही आएगा. इज दिस क्लियर टू ऑल? सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द कैपिलैरिटी. इतना लिक्विड उस कैपिलरी में ऊपर चढ़ेगा, इट विल राइज अप. अगर आपको नहीं चाहिए तो बंद कर लो फिर, या कम कर दो. एनी डाउट्स अबाउट दिस? ऑनलाइन में ये लोगों को सुनाई दे रहा है? आर यू एबल टू हियर मी, कैन यू हियर मी? आ रही है एनसीईआरटी एट फिंगर टिप्स, इसके क्वेश्चन शुरू करते हैं. पेज नंबर 231, सरफेस टेंशन. वेल यहां से शुरू करते हैं, स्टार्ट इट फ्रॉम हियर. Let's start it from here. ठीक है, let's begin. चलिए देखते हैं क्या होगा. Which of the following is associated with the liquid only and not gases? Liquid के साथ क्या है associated? Surface tension. The raindrops are spherical in shape due to surface tension. Which of the following statements is not true about the surface tension? 72. Not true. A small liquid drop takes spherical shape due to the surface tension. ये सही है, इसलिए आंसर नहीं है. Surface tension is a vector quantity. ये भी सही है. ये not true है ना, ये गलत है. क्योंकि surface tension is not a vector quantity, it's a scalar quantity actually. या फिर it's a tensor we can say. Surface tension is a tensor. So टेंसर इज neither स्केलर नॉर वेक्टर, उसको हम टेंसर कहते हैं. इज दैट क्लियर? सरफेस टेंशन इज एक्चुअली अ टेंसर. सो द आंसर हियर इज बी. नेक्स्ट, फॉर द सरफेस मॉलिक्यूल, सरफेस का मॉलिक्यूल हमने ए बी सी तीन टाइप के मॉलिक्यूल देखे थे. सो व्हाट हैपेंस फॉर द सरफेस मॉलिक्यूल, द नेट फोर्स ऑन इट इज नॉट जीरो. The net force on it is zero.
there is a net downward force, there is a net upward force. So there is a net downward force जो हर एक मॉलिक्यूल को नीचे खींचने की कोशिश कर रहा है, isn't it? Next, mercury does not wet the glass. This is the property because of, we can say it does not wet the glass. ये property of the liquid, it does not wet the glass. This property is called as adhesion. Okay? क्योंकि वहां पर the force of cohesion is much stronger than the force of adhesion. हाँ, अब ये वाला हमको सॉल्व करना है. A thin liquid film formed between U-shaped wire and a light slider supports the weight. ये फिल्म है, ये इस वेट को सपोर्ट कर रही है. This is a film which is supporting the weight. Okay? ये फिल्म है, देखो ऐसे. ये फिल्म है, ये पूरा का पूरा फिल्म है. एंड दिस लेंथ इज एक्चुअली एल. ये लेंथ एल है. ये लेंथ कितना है? एल. और ये वेट दिया है 1.5 × 10⁻²⁺ न्यूटन एज शोन इन द फिगर. द लेंथ ऑफ द स्लाइडर दिस एल इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर एंड इट्स वेट इज निग्लिजिबल. उसका वेट निग्लिजिबल है. द सर्फेस टेंशन ऑफ द लिक्विड फिल्म इज. अब देखिए ये जो फिल्म है इसके ऊपर जो सर्फेस टेंशन होगा टी इज इक्वल टू एफ अपॉन एल. बराबर है क्या? एक्चुअली ये जो एल है, फिल्म इज ऑन आइदर साइड, इधर भी है और इधर भी है, दोनों तरफ फिल्म है. सो वो जो सर्फेस टेंशन एक्ट करेगा दैट विल बी एक्टिंग फॉर 2 times L. ना, आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? इस तरफ से भी फिल्म है और पिच्छू के साइड से भी फिल्म है कि नहीं है? तो यहां पर द सोर्स ऑफ सरफेस टेंशन इज एक्टिंग फॉर व्हाट इज द टोटल लेंथ यहां पे 2L. इज दैट क्लियर? फ्री सरफेस कितना है? 2 फ्री सरफेसेस है. तो एक लेंथ इधर से होगा और एक लेंथ पीछे से होगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग देयर? इज दैट क्लियर? समझ में आ गई बात? अच्छा, अगर एक वाटर है, वाटर इज टेकन इन द बीकर, इफ दिस इज द बीकर और उसके अंदर पानी है और ये पानी का फ्री सरफेस है, तो यहाँ का सरफेस टेंशन इज एक्टिंग फॉर हाउ, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द फिल्म? और व्हाट, ये सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन लेंथ. तो लेंथ यहाँ पर कितना होगा? एफ अपॉन 2πr. इट इज ओनली सिंगल सरकमफेरेंस. व्हाई? बिकॉज देयर इज ओनली वन फ्री सरफेस. इज दैट क्लियर? यहाँ पर दो फ्री सर्फेसेस है, सो दिस विल बिकम 2L. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हियर. इज दिस क्लियर टू ऑल? समझे? एंड देयरफॉर व्हाट इज F इज इक्वल टू 2 × L × T. नाउ दिस फोर्स, दिस इज द फोर्स ड्यू टू सर्फेस टेंशन एंड इट इज बैलेंसिंग दिस वेट एक्चुअली. सो इट इज 2L × T इज इक्वल टू, वेट इज नथिंग बट mg, इजंट इट? यहाँ पर वेट उन्होंने डायरेक्ट दिया है 1.5. And what is the surface? So T is equal to, weight is equal to 1.5 × 10⁻²⁺ divided by T upon 2L. L is equal to kitna diya hai? 30 centimeter, matlab 0.3 meter. So I'll say 2 × 0.3. So 3 fives are. And therefore surface tension is 2.5 × 10⁻²⁺ Newton per meter. 2.5 × 10⁻²⁺ न्यूटन पर मीटर, दैट इज इक्वल टू 0.125 न्यूटन पर मीटर. सो डी इज द आंसर दैट. इज दिस क्लियर टू ऑल? एनी डाउट्स अबाउट दैट? डिड यू अंडरस्टैंड दैट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आई विल गो फॉर. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. The following graph shows the variation of surface tension with temperature. The variation of surface tension with temperature is linear. So it's a line graph. Line graph, so B is the answer. Yaad rakhiye isko. Is this clear? Mark kar liya wahan pe? Aap log sirf picture dekh rahe ho, mark bhi kar rahe ho, kyunki ye jo cheez maine yahan pe batayi hai
ये आपके नोट्स या पीडीएफ में नहीं आने वाली, ये तो मैंने टेम्पररी मार्कर से वहां पे लिखा है। समझ आ गई बात? दिस आई हैव रिटन हियर विद द हेल्प ऑफ टेम्पररी मार्कर। ओके, आई विल गो फॉर द नेक्स्ट पार्ट नाउ। I'll go for the next part now. I'll directly go to question number 83. बाकी के questions जो है वो आप लोग देख लगते हो, मैं बाद में कर लूंगा अदरवाइज अगर नहीं आता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 83। द एक्सेस प्रेशर इन साइड अ सोप बबल, सोप बबल का एक्सेस प्रेशर हमने लिखा था, क्या था? डेल्टा पी इज इक्वल टू 40 अपॉन आर, है ना, 40 अपॉन आर। समझ में आ गया? इज थ्री टाइम्स देन द एक्सेस प्रेशर इन साइड द सेकेंड सोप बबल, सो दिस इज द फर्स्ट सोप बबल, इज डेल्टा पी वन इज थ्री टाइम्स डेल्टा पी टू, डेल्टा पी टू इज 40 अपॉन आर टू एंड दिस इज आर वन। ठीक है, ये थ्री टाइम्स है, चलिए कोई बात नहीं। सो दिस विल बिकम, डेल्टा पी वन के जगह पर लिखिए 40 अपॉन आर वन इज थ्री टाइम्स 40 अपॉन आर टू, 40 गेट्स कैंसल, then the ratio of their surface area is, so R1 upon R2 is 1:3, ऐसा बनेगा ना। हेलो, सो इफ दिस आर द रेशियो ऑफ देयर रेडियस देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज, सरफेस एरियाज क्या हो जाएगा, देयरफॉर एरिया A1 अपॉन A2 इज 4 पाई R1 स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर टू स्क्वायर, 4 पाई गेट्स कैंसल, आर वन स्क्वायर अपॉन आर टू स्क्वायर इज 1:9, सो द आंसर इज सी 1:9। इज दिस क्लियर टू ऑल? समझ आ गया? आई गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, और जो तुमको आज जो ब्रेक मिलेगा वो आपको बराबर उतना ही यूज करना है, क्योंकि केमिस्ट्री का लेक्चर है, तो आपको टाइम पे वो 5 मिनट पहले ही आ जाओ। ठीक है, 4:28 को आप लोग अंदर आ जाओ, 4:27-28 केमिस्ट्री का लेक्चर आपका मैं उधर शेड्यूल कर रहा हूँ, 4:30-6:30 उसके लिए लेट नहीं आना है आपको। इज दैट फाइन? ब्रेक दूंगा ना मैं, अभी ये वाला खत्म कर देता हूँ, देन आई विल गिव यू द ब्रेक, बट अगर बाहर मत जाओ एज फार एज पॉसिबल आई विल सजेस्ट यू। ठीक है, बी हियर ओनली एंड स्टार्ट, विल स्टार्ट इट ऑन टाइम। इफ W1 बी द वर्क टू बी डन टू फॉर्म अ बबल ऑफ वॉल्यूम V फ्रॉम द गिवन सॉल्यूशन, द वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन टू फॉर्म द बबल ऑफ वॉल्यूम 2V, W1, अभी अपने के लिए अपने को इसके लिए फॉर्मूला यूज करना है, dW इज इक्वल टू टी इंटू डी ए, टी इंटू डी ए। अब देखिए वहां पे आई से W1 इज इक्वल टू, नाउ देयर इज डी ए इज द चेंज इन द वॉल्यूम, मतलब A2 माइनस A1, A1 मतलब जीरो एरिया, क्योंकि वॉल्यूम मतलब बबल है ही नहीं, बबल है ही नहीं से लेकर बबल है तक, यहाँ का ये जो बबल है इसका एरिया A2 है और उसका रेडियस, लेट मी से द रेडियस इज R,
सो एरिया क्या होगा, ए टू इज इक्वल टू द सोप बबल, जो होगा जो बबल होता है, सोप बबल हो या जो वाटर बबल हो, इट हैज गॉट टू सर्फेसेस। अगर ये दो सर्फेसेस है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, इस एरिया विल बी 8 पाई आर स्क्वायर, इजंट इट। सो दिस इज ए टू, तो यहां पर टी इंटू डी ए, डी ए मतलब ए टू माइनस ए वन मतलब ए टू ओनली, दैट विल बी 8 पाई आर स्क्वायर। दिस इज द वर्क डन फॉर दिस वॉल्यूम, समझ में आ गया। इसका वॉल्यूम कितना है, वी है, दैट वॉल्यूम इज इक्वल टू 4 बाय 3 पाई आर क्यूब। अब वो बोल रहे हैं कि दूसरा वॉल्यूम जो है उसको मैं वी डैश बोलूंगा, विच इज इक्वल टू 2v, 2v, 2v मतलब 2 टाइम्स 4 बाय 3 पाई आर क्यूब, इजंट इट। इफ आई द रेशियो ऑफ दिस टू, इनका रेशियो अगर मैं ले लूंगा, ओके, इफ आई टेक दिस रेशियो, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा वो मुझे पता करना है। आई वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज द रेडियस फॉर दिस, ओके। सो वॉल्यूम अच्छा, इसी को अगर मैं चेंज कर दूं, व्हाट विल बी आर इज इक्वल टू, इसको मैं बाद में देखूंगा, पहले मैं बोलूंगा व्हाट इज आर क्यूब इज इक्वल टू 3v अपॉन 4 पाई, और आर इज इक्वल टू 3v अपॉन 4 पाई ब्रैकेट रेस टू 1/3। सो इफ आई राइट डाउन रेडियस इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर बताइए, the work done W1 is equal to T into 8 pi into R square, iska square matlab 3V upon 4 pi bracket ka 1/3 ka square is 2/3। ab yahan par baki sab cheeze constant hai, surface tension 8 pi 3 4 pi, so I can say W1 is directly proportional to V raised to 2/3, isn't it? So W2 जो होगा, W2 is directly proportional to, उसका volume double हो रहा है ना यहाँ पे 2V, तो मैं इसको लिखूंगा 2V bracket raised to 2/3 and take the ratio, so what will be W2 upon W1 is equal to 2 raised to 2/3, V raised to 2/3 upon V raised to 2/3, जो के cancel हो जाएगा, and therefore W2 is equal to W1 is actually W, उन्होंने बोला है W1 will be the work done, okay, W1 ही होगा, so just cross multiply, so it will be 2 raised to 2/3 into W1, and that's the answer, 2 raised to 2/3 into W1, 2 raised to 2, अच्छा 2 raised to 2 को क्या बनेगा, मैं बनूंगा, सो 2 raised to 2 ब्रैकेट रेस टू 1/3 इंटू W1, दैट इज इक्वल टू 4 raised to 1/3 इंटू W1, सो व्हाट इज द आंसर हियर, 4 raised to 1/3 इंटू W1, दैट इज बी इज द आंसर। इज दिस क्लियर टू ऑल, इज दिस ओके, बी इज द आंसर, एनी डाउट्स अबाउट दैट, ओके। सो आई थिंक आई विल स्टॉप हियर टुडे, okay, yeah, and stop.